शो में बार बार गौतम का मजाक उड़ाने पर सौंदर्या हुई परेशान की निमृत से बात। टीना और शालिन के रिश्ते को अर्चना ने बताया टीवी ड्रामा। जी हां, टेलीविजन के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 16 के लाइव फीड में बीते रात शो में बार बार घर वालों को गौतम का मजाक उड़ाते देख कर सौंदर्या हुई परेशान। अंकित से की बातें, अंकित ने दी सौंदर्या को सलाह। अर्चना ने टीना और शालिन के रिश्ते को बताया टीवी ड्रामा। जी हां, दरअसल बीते रात लाइव फीड में सौंदर्या घर वालों में निमृत और बाकी कंटेस्टेंट से काफी परेशान हो गए क्योंकि वो उड़ा रहे थे गौतम का मजाक। जी हां, जैसा कि घर से गए हुए गौतम को कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में घर वाले सौंदर्या के साथ गौतम को लेकर आए दिन मस्ती करते नजर आते हैं, लेकिन गौतम का मजाक बनता देख सौंदर्या काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। बीते रात भी कुछ ऐसा हुआ, निमृत के कुछ कही बातों से सौंदर्या काफी ज्यादा परेशान हो गई। अंकित से कहने लगी कि सौंदर्या और गौतम का जो भी रिश्ता है या फिर उनके बीच जो कुछ भी हुआ, ये उनकी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन घर वाले इसे लेकर कभी भी मजाक बनाते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब तो उन्हें लग रहा है कि कहीं घर वालों के दिमाग में कोई बात तो बैठ नहीं गई, जिससे अंकित सौंदर्या को ये सलाह देते नजर आए कि सौंदर्या उन लोगों से आमने सामने बैठकर ये सारी बातें क्लियर कर ले, जिससे सौंदर्या पहुंची निमृत के पास और निमृत से किया ये सवाल कि क्या गौतम को लेकर उनके दिल में कोई बात बैठ गई है या फिर वो गौतम से अभी भी नाराज है। हालांकि निमृत ने अपनी पॉइंट क्लियर रखते हुए कहा कि उन्हें गौतम से कोई गिला शिकवा नहीं है। जब सौंदर्या ने बताया कि तो फिर वो शो में बार बार गौतम की बातें ना करे, पुरानी चीजों को ना उठाए क्योंकि ये अच्छा नहीं दिखता। हालांकि इस दौरान जहां दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिखी, तो वही निमृत और सौंदर्या की बातों के बीच अर्चना घुस पड़ी, जहां पर निमृत ने अर्चना से ये सवाल किया कि आखिर टीना और शालिन का रिश्ता उनके लिए क्या है। तब अर्चना ने बताया कि ये बस टीवी ड्रामा है, दोनों का प्यार बिल्कुल भी रियल नहीं है, फेक से थोड़ा नीचे है, जिसे सुनकर निमृत और सौंदर्य की हंसी छूट गई। वेल, इस वीडियो को लेकर आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बिग बॉस 16 से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल पर नजर रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।